और अब खबर छत्तीसगढ़ के महासमुंद से है, जहां पर पति की आत्महत्या के बाद एक महिला अपने बच्चों और सास के साथ कलेक्ट्रेट गेट पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी है। जी हां, महिला ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस उसके पति की मौत का जिम्मेदार दोषियों पर एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। दरअसल महासमुंद में रहने वाली महिला पति ने साहूकारों के कर्ज वसूली और मारपीट के तंग आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें मृतक ने साहूकारों द्वारा प्रताड़ित करने का उल्लेख किया है। उसके बावजूद भी कोतवाली पुलिस ने दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की थी, जिसकी शिकायत पीड़ित महिला ने एसपी से भी की थी। कोई कार्यवाही नहीं हुई थी, जिसके बाद पीड़ित महिला कलेक्ट्रेट गेट पर धरने पर बैठ गई है। बता दें, पीड़ित महिला जहां दोषियों पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर रही है, वहीं पुलिस का कहना है कि सुसाइड नोट जांच के लिए गया हुआ है, जैसे ही रिपोर्ट आएगी कार्यवाही की जाएगी। अब देखना होगा कि इस पीड़ित महिला को इंसाफ कब तक मिल पाता है। उन्नीस जनवरी को मेरे पति फांसी लगा लिए घर में। कर्जदार लोग बहुत प्रताड़ित कर रहे थे मेरे पति को, इनके साथ मारपीट भी हुआ है। और 6 जनवरी को राकेश मदनकार आके हमारे घर में ताला लगा दिए थे। छेरछेरा त्योहार था, हम लोग अपने परिवार के साथ रेलवे स्टेशन में जाके बैठे थे। फिर उन्हें फोन में ना कुछ बातचीत हुई उनके साथ, फिर शाम को 6 बजे ताला खोले उन लोग। फिर शाम को 6 बजे मेरे पति को स्टाम्प के पास लेकर गए और 19 जनवरी को लास्ट डेट था कि 12 लाख नहीं दोगे तो तेरे को ही गजेट गजेट के पिटेंगे। और 19 जनवरी आखिरी डेट था। पुरुषोत्तम चौहान जो उनके पति हैं, उसमें मर कायम हुआ है। मर कायम होने के बाद जांच अभी जारी है। उन्होंने एक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसकी क्यूडी के लिए हमने भेजा है। रिपोर्ट अभी अप्राप्त है, रिपोर्ट प्राप्त होते ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। नहीं, वही है कि उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा है, उसकी जांच की जा रही है विशेषज्ञों द्वारा, जो अभी तक आई नहीं है। वो पीएसक्यू लेवल में है, वो जैसी रिपोर्ट आ जाती है उसके बाद जो अग्रिम कार्रवाई है आदेश अनुसार कर दी जाएगी। उसमें सुसाइड नोट में जो मृतक के द्वारा ऐसा कुछ लिख के नहीं दिया गया।